नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका मैं यूट्यूब चैनल पर काफी स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ जीवराज पार्क पे और ये दीनदयाल चौक है और आज मैं आप लोगों को यहाँ से पूरा केसरी टोला होते हुए दिखाऊंगा कोटियाटिया चौक तक, जीवराज पार्क से कोटियाटिया चौक तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे और जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो नई नई आए वो सबसे पहले आप। तो दोस्तों हमारी जर्नी जो है यहाँ पे दीनदयाल चौक जीवराज पार्क के पास से शुरू हुई है और ये जो रोड है वो सीधा जो है कोटियाटिया चौक तक जाएगा और कोटियाटिया चौक के बाद जो है एक नहर पड़ती है और उस नहर को पार करके ही मटियारी पंचायत आता है। ये अभी हम लोग केसरी मोहल्ला में हैं, तो केसरी टोला जो है फारिंग का काफ़ी शांत मोहल्ला है, यहाँ पे शहर के बहुत गणमान्य लोग भी रहते हैं। तो इस रोड में क्या क्या है मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ से रूबरू करवाऊँगा और आप लोग वीडियो में बने रहें और जो भी नए लोग हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों अभी जो है मेरे सामने जो है ये शिव सागर भवन है, यहाँ पे शादी वगैरह का और भी जो आयोजन होता है वो यहाँ पे किया जाता है, काफ़ी भव्य तरीके से किया जाता है, काफ़ी अच्छा जगह है। और आगे आप लोग देखिए कि जो है केसरी टोला का पूरा नज़ारा आप लोगों के सामने है कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसे लोग हैं और कैसे घर हैं, क्या क्या है मोहल्ला में, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहे। हमारे एक सब्सक्राइबर की भी डिमांड थी कि आप केसरी टोला का वीडियो बनाए। तो देखिए ये जो जगह है यहाँ विष्णु यज्ञ हुआ करता है, यहाँ काफ़ी भव्य तरीके से विष्णु यज्ञ होता है यहाँ पे और बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार कोविड के कारण ये नहीं हो पाया था, तो लेकिन काफ़ी सुना रहा है इसके वजह से पूरा शहर, क्योंकि जो ये यहाँ जो इंतजाम होता है इसकी वजह से पूरा शहर गुंजमान रहता है, लेकिन इस साल कोविड के कारण ये नहीं हो पाया। तो आगे चलिए देखते हैं क्या क्या है केसरी टोला में। बहुत शांत इलाका है, दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जब आप लोग कुछ मांग करते हैं तो वो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रख करके वीडियो को बनाए ताकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली हैं, अच्छा लगता है आप लोगों की डिमांड को पूरा करके। तो देखिए अभी हम लोग जो है काफ़ी करीब पहुँच गए हैं, ये जो चौक है या मटियाड़ी जाने वाली सड़क है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या है। देखिए दोस्तों अभी कोटियाट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए कोटियाट चौक का जो है यहाँ से ही दुकान वगैरह शुरू हो चुकी है, आगे और भी दुकानें हैं, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कोटियाटिया चौक पे, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे यहाँ की सारी दुकानें, यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही है काफ़ी अच्छी। मन तो कर रहा है कि उठा के खा लूँ लेकिन कोविड के कारण थोड़ी सावधानी भी बरतनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अभी अपनी सुरक्षा ही एक वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ सब्जी वगैरह मिल रही है, आगे लहसुन और प्याज की गाड़ी जा रही है, ये तो आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखा था। तो क्योंकि ये जो रोड है ये सीधा आरहत जाता है बाजार समिति। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने दीनदयाल चौक जीवराज पार्क से लेकर के जो है ये कोटियाटिया चौक तक का पूरा आप लोगों को सीन दिखाया। और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप लोगों को किस चीज़ का चाहिए। ये भी रोड काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये भी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए आते हैं और काफ़ी शांत माहौल रहता है गर्मी के दिनों में, यहाँ पे हवा बहुत काफ़ी अच्छी चलती है, क्योंकि जो है आगे नहर है, या मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ नहर है और दूसरे तरफ ये पेड़ पौधे और यहाँ काफ़ी अच्छी हवा चलती रहती है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड जो है सीधा अररिया तक जाता है और फोर लेन में मिलाता है, तो ये एक बैक रोड भी कह सकते हैं, सर्विस रोड है ये। तो काफ़ी कुछ है हमारे फारबिसगंज में जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, जो भी फारबिसगंज के बाहर के लोग हैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि कितना खूबसूरत है हमारा फारबिसगंज। तो जो भी कुछ आप लोगों का डिमांड होगा वो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आप लोगों की सारी मांग को हम मानते हुए कि जो जो वीडियो आपको चाहिए वो वीडियो आप लोगों को मैं देता रहूँ। यहाँ देखिए यहाँ भी छठ मनाया गया था, यहाँ पे उसके कुछ निशानियाँ भी हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी अपडेट्स आए, जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।